गुड मॉर्निंग फ्रॉम कलकत्ता रिवर साइड। तो स्वागत है एक न्यू वीडियो में। सो आप लोग सोच रहे थे कि मैं पहले ऐसे क्यों स्टार्ट किया। देखो यार, सुबह सबका सुबह अच्छे से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने आज नया कुछ ट्राई किया है, अच्छे से शुरू किया है। तो धीरे धीरे उजाला हो रहा है, तो हम लोग अभी निकल चुके हैं। सब लोग सुबह उठ के कुछ ना कुछ करते हैं माइंड को फ्रेश रखने के लिए। तो कोई जॉगिंग करता है, कोई साइकिलिंग करता है, मैं करता हूँ राइड। तो थोड़ा सा घूम के आते हैं आज। आज हम कहाँ जाएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैंने पहले भी एक बार जा चुका हूँ, आप लोग मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही होने वाला है। सो आप लोगों के साथ जहाँ जा रहा हूँ वो डेस्टिनेशन का नाम है कलकत्ता रिवर साइड। सो पहले भी मैं एक बार यहाँ पे जा चुका हूँ, तो गूगल मैप के वाइज मैं जाऊँगा तो आधा घंटा रहेगा। टोटल 12 किलोमीटर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है कि, और रोड उतना अच्छा नहीं मिलेगा। सो आज मैं अकेला नहीं जा रहा घूमने, पिछली बार बंटी गया था, आज मेरे साथ जाएगा मेंटोस। अरे वो वाला मेंटोस नहीं, मेरा दोस्त का नाम मैंने मेंटोस रखा है, दिमाग की बत्ती जलाता है ना। तो चलते हैं। कहाँ टहल रहे हो? सुनो, ये प्लान 2 हफ्तों से चल रहा है, आज जाके पूरा हो रहा है। सो आज हम दोनों बहुत ही जल्दी उठ गए। 4:30 बजे मैं उठा था, मैं तो सोया ही नहीं, ये सोया है। ये रोड अभी बना है ना, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ दिन के बाद लॉरी जाएगा, फिर से धस जाएगा, एकदम सुनामी आ जाएगा इधर, इतना गड्ढा हो जाएगा ना, क्या बताओ आप लोगों को। तो चलते हैं, फिलहाल मज़े में चल रहे हैं आज हम लोग। तो इस जगह का नाम है कुमोरपाड़ा, पहली बार सुन रहा हूँ, किताबों में पढ़ा था कुमोरपाड़ा गोरुगढ़। तो यहाँ पे सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और रोड देख रहा हूँ कितना खूबसूरत है, और सोच रहा हूँ बाइक को एकदम लीन कर दूँ रोड वाइज। अरे बाप रे। टनल मलर लद्दाख पट्टू आवा। और ये कलकत्ता रिवर साइड का एंट्रेंस, जगह देखो भाई कितना खूबसूरत है, क्या बोलूं आप लोगों को, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन। मैं जब यहाँ पे विंटर पे आया था तब तो सूखे थे, अभी पूरा एकदम ग्रीन ही ग्रीन। ये रोड मतलब ये 3 किलोमीटर लंबा है, और अंदर बहुत सारे सोसाइटी भी है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे रहते भी है, और पूरा एकदम गंगा के साइड में कलकत्ता रिवर साइड, बहुत ही खूबसूरत। जब हवा चलती है ना हमें, आप लोग यहाँ पे आके आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। तो आप लोग आके एक बार देख, क्या चल रहा है भाई, इंडिकेटर, थैंक यू भैया। तो आप लोग आके यहाँ पे आराम से सब कुछ कर सकते हो, और लोकेशन बहुत ही अच्छी जगह है, झूठ नहीं बोल रहा आप लोग के सामने भाई, देख लो कितना अच्छा लोकेशन, कितना। तो हम लोग थोड़ा आगे निकलते तो सनराइज़ अच्छे से देख पाते, अच्छे से टाइम लग। और ये देखो, ये लोकेशन और भी अच्छा है भाई, लेफ्ट साइड में देखो कितना अच्छा था। तो और आगे निकलते तो अच्छा टाइम लैप्स आता तभी। भाई जूतों किन भी ना कि है, जूतों किन भी चौधार ले खुले गले बोल बो जैन दादा ऐडा किटो दी ए ए इरा को ऐडा सारा जूतों दी दी। भाई बहुत दिन के बाद सुबह उठ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट राइड पे गया था तब 4 बजे उठा था, तो आज 5 बजे उठ रहा। और ये देखो लोकेशन, देखो भाई ऊपर स्काई को देखो, और ये जो बिल्डिंग है ना पूरा एकदम रिवर साइड के पास में है। जब हवा बहती है ना भाई, क्या बोलूँ, यहाँ से ऊपर से एकदम व्यू मस्त आता है, एक बार खुद भी देख लेता तो बहुत अच्छा होता। क्या करूँ, यहाँ पे फ्लैट नहीं है, आप लोग एक खरीद दो ना मेरे लिए, क्या बोलते गाइस। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, यहाँ से एक लेफ्ट टर्न लेने के बाद ही आप लोगों को दिख जाएगा एकदम
बहुत ही अच्छी सी लोकेशन पे आप लोग दोपहर को भी आ सकते हो, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ नहीं मिलेगा, वो आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। तो चलो पहले बाइक को पार्क करते हैं। फेरी देखिए वो इसे कहते हैं लोकेशन मामा, लोकेशन ये दिख रहा। शेरा शेरा जाएगा। একটা যদি ড্রোন হতো না, ও ড্রোনটা হলে না মজা আয়া। আমাদের ক্যামেরাম্যান আজকে এত বড় একটা ক্যামেরা নিয়ে এসছে, আমার দুখানা হেভি হেভি ছবি তুলে দিয়েছে, আর আমি 30টা ফটো তুলেছি, তার মধ্যে একটা ছবি ওঠে নি। তারপরে কি মনে হলো ৩০টা ছবির মধ্যে একটা ছবিও ভালো ওঠে নি। ইয়োগা কিভাবে করে এখন দেখা, উনি কি বলে ওখানে হাসি ক্লাস কি বলছে, এখানে কাকাটা বলছে কুত্তার মতো চেঁচায়। ये जो जगह है ना भाई, बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ का माहौल एकदम शांत है। पानी लहरा रही है और वहां पे पीछे गांजा 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 सप्लाई हो रहा है। जो भी है भाई, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप लोग दोपहर को आओगे तो ये गेट बंद मिलेगा, क्योंकि शाम को सभी आते हैं, बहुत भीड़ रहता है, तो यहाँ पे बंद कर देता है। तो सुबह के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए खुला रहता है। মুন্ডুটাই দিয়ে ঘোরা, কত সুন্দর ফেসটা, এত বড় একটা ক্যামেরা নিয়ে এসছে, ইতনা ক্যামেরা তো নেই না, আচ্ছা ফটো খিঁচা দো, মেনে 30 ফটো খিঁচা, এক ফটো আচ্ছা নেই আয়া। কেন ভাই গামছা নিয়ে এসে স্নান করতে, ভাই গামছা কিনে নিয়ে এসে স্নান করবি বল, স্নানও করবে না, গামছা কিনে নিয়ে আসি বুঝি, তবুও স্নান করবে না। আমার গেঞ্জিটা খুলে দিয়ে দিচ্ছি, এটা দিয়ে পুঁছে দিবি, নে তুই স্নান করে আয় আরামসে। হ্যাঁ কিন্তু এই গেঞ্জিটা গামছা করে আমার চেঞ্জ করছে। Woo!
मैंने छोटे वाला सिगरेट है किस टाइम सिगरेट ना अरे बीड़ी जलाई है আমার মনে আছে তবে খেয়ে লোকটা ফেলেছে তুই ঘুড়ি ওড়াচ্ছিস আর আমি ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলাম হ্যাঁ ইমরানদের বাড়ির সামনে থেকে তুই লোক আছে ঘুড়ি আটকাবার সব করে আমি বললাম লোকটা খেয়ে ফেলেছে আলো জ্বললো একটা ছোট্ট মতো লাল কালার আমি দিয়ে দেওয়ার পরে আমি বললাম লোকটা যেমন টেনেছে আমি শুনি সবে দুটো এরকম খুব করেছে तो यहाँ पे आप लोग सुबह आके आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जिसको जॉगिंग पसंद है वो जॉगिंग कर सकता है। बहुत ही अच्छी जगह है, सुबह को ही ओपन होता ही है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप आके आप लोगों को मालूम पड़ेगा कितना अच्छी जगह है, कितना हवा चल रहा है, बहुत ही अच्छी। मतलब मन ही नहीं कर रहा है घर जाओ। और राइड में आप लोगों को रविंद्र संगीत सुनने को मिल जाएगा और भी अच्छा। तो जगह बहुत अच्छी है, जॉगिंग करने आते हैं यहाँ पे लोग सब आते हैं जॉगिंग करने, एक घंटा स्पेंड करता है फिर चला जाता है। और आप लोग आके एक बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छी जगह है। सुबह को 5 बजे या 6 बजे आना, एकदम ठंडी हवा चलेगी। यहाँ से अभी हम दोनों निकल रहे हैं, वो उधर खड़ा है हेलमेट पहन के। इस जगह को टाटा बाय बाय करते थे, फिर कभी आएंगे। ये ऊपर जिन लोगों का घर रहता है ना, ऊपर जो फ्लैट है ना, उन लोगों को मतलब कितनी हवा चल रही है ऊपर वो पता चलता है भाई, बहुत अच्छे। और इसे देखो अरे कैमल लागले जागाटा और ये हमारे लाफिंग काका ये जगह देखो भाई कितना खूबसूरत है। ये एंट्रेंस में है, मिल जाएगा आप लोगों को। तो हम लोग सुबह निकल रहे थे 5 बजे, तो आधा घंटा लगा आने में। तो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो ये जगह देखो भाई, जॉगिंग साइकिलिंग सबके लिए अच्छा है। देखो चारों तरफ, दोनों तरफ देखो भाई कितना खूबसूरत है। ये कलकत्ता रिवर साइड के आसपास में, मतलब यहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे सब लोग आते। ज़्यादा लोग नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे उतना कनेक्टिविटी नहीं है जो रोड या ट्रैवल का। तो यहाँ पे मिलता है जूता, कीटो खरीद लेते हैं, चलो पानी हो जाता है घर के सामने, बहुत शू पहन के नहीं जाते। তো কিনতে পারে সত্যি কিনতে হ্যাঁ ম্যান ওই তো লরি দাঁড়িয়েই আছে বাটা ইন্ডিয়া। এ বাটা মানে খাদিমস না তো। দেখো কিতনা খুবসুরত হ্যায় লোক, মতলব ইহা 2-3 কিলোমিটার ইহি মিলেগা পুরা পুরা একদম গ্রিন হি গ্রিন দোনো তরফ, বহুত হি খুবসুরত হ্যায়। আপ লোক আগে একবার দেখ লেনা कितना खूबसूरत है। लोकेशन बहुत ही अच्छी जगह है, मन कर रहा है एक फ़ोटो खींच लूँ बाइक का, मेरा नहीं। तो यहाँ से बाहर जाते हैं, तो बाहर का भी रोड देखो कितना अच्छा है, दोनों तरफ ग्रीन ही ग्रीन और ऊपर स्काई तो एकदम ब्लू ही ब्लू है, बहुत ही खूबसूरत है भाई। आप लोग आके मस्त 2-3 घंटे टाइम स्पेंड कर सकते हो सुबह में आके, और दोपहर को आके सैटरडे या संडे को आना जब छुट्टी मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत है, आज हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था सुबह आके। मैंने एखे देखार मत कि रखे दी मतलब कूँ खुड़े रेखे एखे देख कूँ खुड़े रेखे एक देख ना रे मालभूमि तो
तो हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे कचोरी, तो चलते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी जगह ये बता रहा है मेंटोस, तो चलो यहाँ पे खाते फिर निकलते हैं। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे मस्त खाना खा लिया है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। तो ये बच्चा घूर रहा था कैसे कैमरे की तरफ। सब जगह बोलते क्या सत्यी आज गाचे उठते कष्ट हो जाए सत्य आज के सब डावाल जर हो ठीक है दम नहीं शरीर कष्ट हो जाए बाधिए तो गलो पड़े আর রাস্তাই কই বাদিক ছাড়া ছকার একসাথে গিলে দিয়েছে। সো আজকের রাইড ইদাই খতম হতা হ্যায়, সো মিলতে হ্যায় নেক্সট ভিডিও মে, সি ইউ সুন, টাটা বাই বাই।